तो सबसे पहला जो पैसेज होता है बेटा 5 नंबर का, ठीक है, तो ये पैसेज आपका देख लेना है। आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको छांटना सिखाने वाला हूँ। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं, ये हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका रहेगा यहाँ पर, देख सकते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मैंने बता ही रखी है आपको, ठीक है। तो 4 नंबर आपको एप्लीकेशन के कर लेने हैं, तो 10 और 4 हो जाएगा 14 पूरा क्वेश्चन पेपर। फिर आता है आपका 5 नंबर का निबंध, ठीक है। तो 5 में से 4 नंबर आपको निबंध में दे देगा वो, ठीक है। तो 5 नंबर निबंध में हो गया, तो ये आपका 14 ही मान लो, ठीक है। 10 4 14 हो गया था उधर, और उधर 4 के बाद में 14 हो गया, 14 और 4 18 हो गया। 18 के बाद में ये तो आपके हमारे बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रहता है एक चित्र दिया रहेगा, चित्र के ऊपर से आपको लिखना रहेगा, तो ये अपने को कम सूझ पड़ती है। अब इसमें तुक्का जब लगाओगे ना, मैंने बिल्कुल तरीके से आपको समझाता हूँ ये चीज़ें, तो ठीक है, चैनल पर जाके देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 5 और मेरे द्वारा बताए गए ना आप, तो 7 नंबर की जवाबदारी ले लो, 7 नंबर की करेक्ट है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 18 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 23, क्योंकि मैं आगे वाली चीज़ बताऊँगा बेटा, है ना, इसलिए 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, है ना, 25 हो गया ना, 25 जोड़ लो, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से ये 4 नंबर इसका तुक्का लगाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका 1 से 2 नंबर का पक्का हो जाता है, तो 27 2 29। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये एन सी पी से वही छाटने वाला, 3 नंबर में से 2 नंबर जोड़ लो, चलो ठीक है, मैं हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ना। तो कितना हो गया 30 और 2 32 हो गया है, 32 के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ से भी 2 नंबर जोड़ लो, तुक्का लगाते तो 1 2 रोंग हो जाते, मैं भी समझता हूँ, तो 32 2 34 हो जाएंगे। और अब आता है यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन, अब इसको करना कैसे बेटा, तो चलिए एक क्वेश्चन में आपको यहाँ से जैसे मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन करना है, कौन सा, कोई सा भी ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं यहाँ से। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड, ठीक है, मार्ज एंड टॉमी हैव, इतना हो गया है। चलिए अब इसको मैं सॉल्यूशन आपको कॉपी में लिख के बताता हूँ कैसे आप लिखोगे, है ना बेटा, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये आपकी कॉपी इस तरह की कॉपी दी रहती है, कई बार बोर्ड एग्जाम की अलग आती है कॉपी, है ना, बाकी तो ऐसी सिंपल कॉपी रहती है। इसमें आपको बढ़िया से एक लाइन खींच लेनी है, ये लाइन खींचोगे आप पहले तो, और यहाँ पर आंसर नंबर डालना है आपको, कौन सा डालोगे, ये आंसर नंबर कौन सा था, ये 11 था, और अब 11 का आपका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, मान के चलो दूसरे कर लो, तीसरा कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दूसरा लिख देना, लिख दोगे, और अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को पढ़ो ध्यान से, ये यहाँ से, तो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक का तो पहले पूरा उतार लेना है, बढ़िया से तरीके से बता रहा हूँ बेटा मैं तो, आप तो है ना ऐसे बताऊँगा कि बिल्कुल हमारे बच्चों को समझ लो कि उन्हें जाने याद नहीं है, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से पूरा एक एक स्प्लिंग देख के टीप लेते हैं, क्योंकि व्हाट इज तो आपको पता ही ये नहीं आता है, भी यहाँ पर जाएगा ये, स्पेशल एस पी ई सी आई ए एल, पूरा ध्यान से देखना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इतना हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना आपको क्या चीज़ है, अब ये तो याद है, अब आगे का उत्तर तो याद ही नहीं साहब, अब क्या करें क्या, ठीक है। तो भैयू इतना हो गया है ना, और इसके बाद में जो एन सी पी सी ना, ये किस लिए दिया है ये पता आपको, ये आप अपन जैसे लोगों के लिए दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, अपन इनको यहाँ से ऐसे कैसा उतार देंगे, कहाँ से उतारना शुरू करूँगा मैं, जैसे ये हो गया रियलिटी, और यहाँ से मैं उतार दे, शुरू की लाइन छोड़ देना, बीच में से उतार दो, यहाँ देखो ये द कैप्टन, पूरी सुनना ध्यान से बात को, है ना, चले मत जाना बेटा, है ना, मेरा अनुभव अलग है, मैं जानता हूँ, ठीक है, आपके मन में जो चल रहा है वो, है ना, ये बैट और आई वाज नर्वस, जी हो गया उत्तर, समझ में आया, उत्तर बनाना सिखा दिया मैंने आपको। इसी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आए,
ठीक है, कर पाओगे बेटा? कोई सही आए, जो अच्छे से आते हैं वो तो कर दोगे, जो नहीं आते वो इस तरीके से बना बना के लिखना मन से पहले, तो ठीक है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार बना के देखते हैं अपन, है ना, आपको ना पाते नहीं बनाते पाते हमारे बच्चे। जैसे ये यहाँ पर ये मैंने अभी बताया था जो व्हाट काइंड वाला, तो यहाँ से देखेंगे टीचर टीचर डिड तो आएगा नहीं क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ है ना, तो टीचर मार्ज एंड टॉमी हैव हो गया हैव, और हैव के आगे तुम्हारा आंसर पेसेज में मन पड़े जहाँ से लिख देना, दो से ढाई लाइन, कर पाओगे बेटा? अच्छा बात ये आती है कि मुद्दे के नहीं आएगा ही नहीं। देखो जो एग्जामिनर होता है ना बेटा, एग्जामिनर वो पहले तो सबसे पहले शुरुआत की लाइन पढ़ता है। देखो उनकी कमजोरी बता दूँ मैं आपको, सबसे पहले एग्जामिनर की कमजोरी क्या है कि वो ध्यान से नहीं पढ़ता है। आप कहोगे नहीं ऐसा हो गया, क्योंकि बेटा एक दिन उन्होंने बहुत सारी कॉपी चेक करना होता है। आप पहली बार आए हो, है ना, नाइन्थ में आए हो, टेंथ में आए हो, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ, हर साल ही, ठीक है, तो कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, तुक्का लगाना है। अच्छा आप यदि बताइए मेरे को, आप फ्री बैठे थे, ठीक है, छोड़ के आ गए थे, तो क्या एक भी नंबर मिलता क्या? ये दो नंबर का है, तो वो सामने वाला यदि पढ़ भी लेगा ना, तब भी सोच विचार करके आपको एक नंबर पक्का देगा, एक नंबर पक्का देगा, और देगा ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि नहीं पूरा गलत है तो न्यू ऐसा कट करेगा, नहीं बच्चे ने कोशिश की है यार, चलिए तो इसको अपन एक नंबर दे देते हैं, देते हैं पूरे जो आपके क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, यहाँ से लगा के क्वेश्चन नंबर जो 16 तक है ना, ठीक है, 16 तक है, वहाँ तक के पूरे क्वेश्चन एक साथ अपन सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे, ताकि हमारे बच्चे टॉप करेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है ना। ये देख लीजिएगा आपको यहाँ तक हो गया है, इसके बाद में ये आपका यहाँ पर, ठीक है भैया, इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट लो कि व्हाट वर द पीपल इन केंजिया फैमिलीज, केंजिया फैमिली, केंजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे, ठीक है, तो उसकी फादर थी, मदर थी, ग्रैंड मदर थी, एंड सी हिमसेल्फ, वो खुद भी थी, ठीक है भैया, कि व्हाट डिड फादर ऑफन गेट इरिटेटेड विथ केजिया, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इतना हो गया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा छोटा कर देता ना ताकि दिक्कत नहीं आई हमारे बच्चों को, है ना भैया। इसके बाद में आप यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद में यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहेगा, इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, इतना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा अब्दुल, व्हाट डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, अब्दुल कलाम किस तरह अपने पिता के बारे में वर्णन करते हैं, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से, तुरंत आप तो लेते जाओ, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ ही सारी चीज़ों का एक साथ दे रहा हूँ मैं ना, जितने भी आपके पेपर सेट आ रहे हैं MP के हर ज़िले में अलग अलग आ रहे हैं, सबका बेटा एक साथ ही दे रहा हूँ, इसके अलावा अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं वाली पेपर क्वेश्चन सारी चीज़ इसमें ही है ना, क्वेश्चन आंसर जवाबदारी है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो केवल, है ना, कुछ अनावश्यक चीज़ें बतानी पड़ती है ना, आप कुछ समझदार है यार, है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते जी, जिन जिन पर एम लिखा हुआ है ना बस उनको ही आपको करने हैं। यहाँ पर आगे व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 वे इन विच वी आल आर अलाइक, 5 बातें बताइए जिससे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं। द पोएट सेज वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स बट आवर बॉडी इज सेम, हम कपड़े तो अलग अलग तरह के पहनते पर हमारी बॉडी क्या एक समान ही, वी वॉक ऑन द सेम लेटनेट्स प्लांट्स ग्रह पर चलते हैं, एंड ऑफ इच इंडिविजुअल इज द सेम
वी आल ईट, हम खाते हैं, वी आल ड्रिंक वाटर, हम सब पानी पीते हैं। ठीक है भैया, हो गया इतना, ये आपको क्वेश्चन में इतना करना है। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, इसके अलावा आपको अलग से कोई सी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक वीडियो ज़रूर मैंने बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा आप कि परीक्षा में बिना पढ़े कैसे पास हो, उसमें ट्रिक दी है मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन याद करना है, नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, और याद भी नहीं भी कर पा रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप, परीक्षा में बिना पढ़े कैसे पास हो। ठीक है।